तो हेलो गाइस, सर कैसे हैं आप सभी लोग। यार आज की इस वीडियो में अपन खेलने वाले थे यार अपना वन वन टूर्नामेंट बहुत सालों बाद। और यार सालों बाद मतलब वन वन टूर्नामेंट में स्कैम करवाएंगे अपने साथ। और यार पहला जो हमारा मैप था यार वो लग चुका था हमारा स्पिन ग्राउंड। और यार स्टार्टिंग में ही थकावट हो जाती है, और फिर भी यार वो बंदा पता नहीं है लगे नशे में होता है कि यार वो खुद ही जाके ठुक जाता है। और यार यहाँ पे हमें फ्री का विन मिल जाता है। और यार स्टार्टिंग का जो हमारा फेस है, जो फेस वन है, वो थोड़ा ऐसे ही फास्ट फॉरवर्ड में चलेगा, क्योंकि यार टाइम वेस्ट नहीं करना है यार, सीधा सीधा मुद्दे पे आएंगे। यार आपको भी लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं है, मेरे को भी लंबी वीडियो बनाना पसंद नहीं है, तो मज़े मारो भाई। तो यार यहाँ पे हमारा सेकंड मैच आ चुका होता है FXG रेहान वाइटी के साथ, जो कि FXG का काफ़ी मतलब टॉप प्लेयर में से एक है। तो यार यहाँ पे हम दोनों ही नहीं हकते, दोनों ही मज़े जा रहे होते हैं, लेकिन यार क्राउन से मिल जाते क्योंकि यार उसकी पोजीशन अच्छी होती है। तो यार ठीक है यार, यहाँ पे हम पहला मैच हार जाते जैसे से, तो ठीक है यार मेरा थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस डाउन होता है, लेकिन मैं संभाल लेता हूँ। मैं सोचता कोई नहीं है, डरते थोड़ी है किसी से, आगे संभाल लेंगे। तो यार यहाँ पे तीसरा मैप जो आता है सुपर स्लाइड आता है, और सुपर स्लाइड आते ही मैं सोचता हूँ यार ये तो अपना ही है मैप। तो यार यहाँ पे हम बहुत इजीली यहाँ पे लीड ले चुके होते हैं, और अब यहाँ पे ओवरटेक करना बहुत मुश्किल था उसके लिए। तो यार बहुत ईजी विन यहाँ पे हमने निकाल ली। तो यार अगर आप चैनल पर नहीं, तो चैनल को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं फिर से चैनल को लाइक बोलने वाला था। तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो पे हम एम करते हैं पूरे के पूरे 1000 लाइक्स के लिए। तो लेट्स सी कि यार कंप्लीट हो पाते हैं या नहीं। और यार सब्सक्राइब भी कर दो यार, फेस रिवील देखने हैं। तो यहाँ पे यार हम दोनों ही हगने के अपने चालू रखते हैं, और भाई मतलब बैक टू बैक हगावट हो रही है। और मैं सोचता यार मेरी जंप लेट क्यों लग रही है, फिर मेरे को अब यहाँ आके थोड़ा पता चलता है कि यार क्या सीन हो रहा था मेरे साथ। और मैं भाई मतलब टूर्नामेंट के बीच में इनविजिबल लोगों में बैठ गया हूँ, क्या ही बोले भाई इस चीज़ को। तो यार ये बंदा मेरे लिए आखिरी में रुका होता, मैं सोचता विन दे देगा, पर घंटा नहीं देता भाई कोई विन। तो यार ठीक है यार, सह लेंगे थोड़ा सा यार, बेइज्जती हो गई अपनी, पर ठीक है मतलब टॉन्ट मार के घुस गया बंदा। तो यार यहाँ पे अगला मैप जो था वो हमारा आज का था 5-8 पुश। और यार ये ऊपर से ट्रिक मतलब हो जाती है, पर अभी नहीं हो पाई क्योंकि समझ रहे हो ना, मतलब ठीक है समझ जाओ, क्योंकि यार स्पॉन थोड़ा मतलब राइट में चाहिए इसके लिए, पर ठीक है यार कर लेंगे कभी ना कभी। तो यार यहाँ पे बाकी हमारा पूरा मैच बहुत आराम से निकल जाता है। और यार अभी तक हम 2 मैच हार चुके थे अकॉर्डिंग टू मी, और 2 मैच हारने के बाद तीसरा हारना यार बहुत महंगा पड़ सकता था। और यार यहाँ पे हमारे साथ ओपन एंड मैच हो गया था ALF क्राइम। और जो जो नहीं जानता यार, ये टूर्नामेंट था हमारा एशिया का टूर्नामेंट, तो ऑब्वियसली यार इंटरनेशनल लोग आएंगे ही आएंगे। और यार यहाँ मैं पंच से बचने के चक्कर में थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, और फिर मैं इसको पंच मार के निकलने की कोशिश कर रहा था, भाई दोनों ही हक देते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। और यार वो निकल जाता है आगे, और हम 3 मैच हार चुके हैं। अब यार 3 मैच और बाकी हैं, और यार डू और डाई है, अगर हम एक और मैच हारते हैं तो हम सीधे सीधे बाहर हो सकते हैं। और यार यहाँ पे मेरे क्लैन का बंदा है, आके मुझे बॉडी करके चला जाता है। तो यार मुझे पता था यार आगे जाके कहीं ना कहीं हक देगा, क्योंकि यार जो अच्छे बंदे हैं मेरे क्लैन के वो मेरी नज़र में है, ये नहीं था तब, ये मेरी नज़र में भी नहीं था। तो यार यहाँ पे हम बिना किसी रिस्क के मतलब फुल ऑन रिस्क के क्वालिफाई करने को चले जाते हैं। और यार अभी वॉइस ओवर थोड़ा सा फनी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे में भी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड चल रही है, तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी तेज तेज निकल रही है, समझ रहे हो ना, मतलब एकदम फ्लो में आ रही है। जैसे ही फेस 2 आता है थोड़ी कॉमेडी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यार भले फनी नहीं है लेकिन करेंगे यार कॉमेडी। हम अपन का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा नहीं है, पर ठीक है सहल है थोड़ा सा, तो चलता है इतना। तो यार यहाँ पे हमारे पास फुल ऑन लीड आ चुकी होती है, और यार कोई मतलब मुश्किल आती नहीं है यहाँ पे। पर यार ओवर एंड अंडर यार काफ़ी लोगों ने अपना मतलब मास्टर करके बैठे हुए हैं, सबको आता होता है यार आजकल। तो यार रिस्क नहीं ले सकते, मतलब समझ रहे हो ना, एक गलती और ख़त्म हो जाएगा सब। तो यार यहाँ पे कैनन क्लाइम आता है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं हार ही जाऊँगा, क्योंकि यार किस्मत देख रहे हो ना, मतलब आगे जाके भी ठुकी रहूँ तो फिर क्या ही बोलूँ मैं। पर यार यहाँ पे मेरे पास लीड आ चुकी होती है, और मैं यहाँ पे बहुत ईजीली यार यहाँ पे अपनी विन निकाल लेता हूँ। भाई GFO वाले बंदे को पेल के जो ही मज़ा आया ना, क्योंकि यार GFO वाले ने मेरा जीना हराम कर रखा है, जब जब टूर्नामेंट में मिलते हैं यार एलिमिनेट करवा देते हैं, अब मैंने करवाया यार, ये भाई रिवेंज हो गया। और यार यहाँ पे हमारा अगला मैप आ चुका था ओवर एंड अंडर, जो कि फुल ऑन फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा था। और भाई टिप्स एंड ट्रिक्स इतनी मस्त लगती है ना यार फास्ट फॉरवर्ड में, क्या ही बताऊँ, ऐसा लगता है भाई क्या ही पिरो है भाई, पर भले हैं हम बॉट लेकिन ठीक है। तो यार यहाँ पे हम और कोई मैच नहीं हारते, और हम लिटरली 16 पोजीशन पे ख़त्म करते हैं। 7 मैच जीतने के बाद भी 16 पोजीशन आ जाती है, तो मैं सोचता हूँ यार एक आधा हार ही जाते, इतना क्या प्रेशर में खेल रहे थे। पर यार ठीक है यार, नहीं हारे तो अच्छी बात ही है। और यार मतलब मैं एशिया टूर्नामेंट में इतना गंदा मेरा किस्मत चलता है, यूरोप में भाई मैं सारे जीतता हुआ आ रहा था, क्या ही बोलूँ भाई, यूरोप में एकदम मस्त चल रहा था मेरा सीन। पर यार अभी यूरोप की बातें बाद में करेंगे। यार यहाँ पे हमारा जो मैप था वो आ चुका था सुपर स्लाइड, और यार मुझे भाई कैनन क्लेम यार घंटा पसंद नहीं आया भाई, मतलब समझ रहे हो ना यार, मेरे को नफरत करवा रहे हैं भाई ये हर मैप से। यार यहाँ पे हमारी सस्ती टिप्स एंड ट्रिक्स ही लग पाती हैं, महंगी वाली हम खरीदना भूल गए दुकान से, तो यार महंगी वाली हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं लग पाती इधर, सस्ती वाली से काम चला लो यार। तो सस्ती वाली टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते हुए यार लीड अपनी मेंटेन रखते हैं। और यार थोड़ा सा लेट हो रहा था हर चीज़,
मैं मतलब जॉयस्टिक पहले कर रहा हूँ तो वो लेट हो रही है, पता नहीं क्या क्या सीन हो रहे थे। भले पिंग ठीक थी यार, पिंग दिक्कत ये दे रही थी कि यार कभी 60 से 80 जा रही थी, अचानक से बढ़ रही थी, अचानक से कम हो रही थी, इसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी। पर ठीक यार, तुम्हारे भाई ने हैंडल कर लिया। लेकिन अब यार इतनी मतलब मेहनत चल रही है तो यार एक काम करो यार, लाइक कर दो यार, अभी अभी क्या अभी लाइक कर दो यार, 5 मिनट हो गए वीडियो को, क्या कर रहे हो यार खाली बैठे बैठे, कर दो यार लाइक, क्या चला जाएगा यार, फ्री है ना भाई, मतलब मैं पैसे नहीं मांग रहा ना यार, तो यार वीडियो को लाइक कर दो यार जल्दी से। और ये बंदा भाई ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था, ऊपर से WZD का था तो मेरे को पता था कि यार ये यूरोप सर्वर का ही होगा, WZD वहीं का है क्लैन, तो वहीं का ही हो सकता था ये। पर यार इस बंदे के बस की कुछ नहीं थी भाई, ऐसे उड़ गया भाई बंदा, मतलब ठीक है भाई, मतलब पंच के बेसिस पे जीतना आया था, पंच विचार से लगा नहीं तो वहीं हार गया, हार मान ली भाई बंदे ने। तो यार यहाँ पे ये बंदा भी बाहर हो गया, मतलब बाहर नहीं हो गया, मतलब हार गया, मैं जीत गया। तो यार यहाँ पे मैं सोच रहा था बहुत ईजी है मेरे लिए जीतना, क्योंकि यार मैं 3 मैच लगातार जीत चुका हूँ, सिर्फ मुझे एक और जीतना है और मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा। लेकिन यार यहाँ पे जैसे ही कैनन क्लाइम अपने दर्शन दे देता है यार, मैं सोचता हूँ भाई हो गया मेरा काम, अब तो घंटा नहीं होने वाला यार कुछ, पर यार फिर भी हम कोशिश करेंगे यार, क्योंकि जिद्दी तो हैं ही हम। तो यार यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को मुक्का मार देते हैं, लेकिन यार मेरे पास लीड यहाँ पे आ चुकी होती है, और जिसका मुझे पता था कि मुझे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यार उसके पास वापस पंच आएगा तो ऑब्वियसली यार वो मारेगा ही। तो यार ऐसे ही वो मुझे पंच मार के चला जाता है, भले ही यार हम ठुकते नहीं हैं, और मैं सोच रहा था यार ये बंदा ऐसा ठुके कि भाई ज़िंदगी में आगे से कभी पंच ही ना करे। पर ठीक है यार, अपनी कभी सुनता तो है नहीं कोई, तो यहाँ पे भी हमारी नहीं सुनी गई। वो बंदा यार चुपचाप से निकल गया और क्वालिफाई हो गया यार, और अपन बाहर हो गए। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, अभी भी 2 मैच है, 1 मैच तो जीतना है, क्या डरते हैं क्या किसी से। फिर से यार कैनन क्लाइम ने दर्शन दे दिए भाई, मतलब भाई क्यों भाई, क्या बिगाड़ा क्या है मैंने तुम्हारा भाई, स्टंबल वालों क्यों मेरी जान के दुश्मन बने हो यार, एक टूर्नामेंट तो जीतने दो यार, मतलब भाई इतना अच्छा खेल खेल के भी कोई फ़ायदा नहीं होता ना भाई, इतना गुस्सा आता है। ऊपर से स्पॉन देख रहे हो भाई, मतलब मैप के बाहर खड़ा कर देते ना पीछे, यहाँ पे भी क्यों दे दिया भाई, इतनी तरस भी क्यों खाली। तो यार उस पर सीधा सीधा स्पॉन एडवांटेज था, यहाँ पे ऊपर से वो ठुकने का तो मतलब सवाल था ही नहीं। ऊपर से यार मैं ठुक गया, फिर वो भी ठुक गया, अब जैसे वो ठुका मैं थोड़ा सा पैनिक मार गया कि यार अब वो ठुक चुका है, अपने पास यही मौका है, मतलब ऐसे वैसे मेरी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, जिसकी वजह से यार मैं थोड़ा और पैनिक होकर और ठुक गया, और वो निकल के चला गया एक बार ठुक के, मैं 3 बार ठुक गया उधर फालतू का। तो यार वो क्वालिफाई यहाँ पे कर जाता है, पर यार मैं फिर भी अभी हार, मतलब मैं दिमाग से हार चुका होता हूँ कि भाई अब तो अपन से होगा ही नहीं, क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा था कि 5 मैच जीतने होंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि यार 4 मैच जीतने पे भी इन हो सकते हैं। तो मैं यार यहाँ पे हार मान चुका होता हूँ, लेकिन यार मुझे नहीं पता था कि ये भी हो सकता है। तो यार यहाँ पे स्पिन को राउंड आ चुका होता है और मैं हार मान चुका होता हूँ, और मैं बस ऐसे ही खेल रहा था कि यार ठीक है यार अब एक ही राउंड बचा है खेल लेते हैं, ऐसा सीन था मेरा। तो भाई मैं खेलना चालू ही करता हूँ और यार मैं सामने वाले बंदे से यार बॉडी हो जाता हूँ, और भाई क्या ही मेरे साथ भाई क्रिकेट खेला जा रहा है, कभी इधर से उधर बजाए जा रहे यार मेरे को। और यहाँ पे यार जैसे वो लीड ले लेता है मुझे समझ आ चुका होता है भाई अब तो घंटा कुछ नहीं होने वाला, मतलब भाई क्यों भाई मैं इतना डिप्रेस होकर क्यों बैठ जाता हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, मेरा मूड के लग जाते हैं, क्या ही बोलूँ। तो यार ठीक है यार, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने घरों में बंद रहें, बाय बाय।